लॉकडाउन पार्ट वन के दौरान मेडिकल स्टोर पर दवाएं उपलब्ध थी, लेकिन लॉकडाउन पार्ट टू लागू होने के बाद अब मेडिकल स्टोर पर दवाइयों का टोटा होना चालू हो गया है। शहर के कई मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं का टोटा होने के कारण वह कुछ देर के लिए ही खुल रहे हैं। तलमंडी स्थित मेडिकल स्टोर के संचालक मनीष बंसल ने बताया है कि हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको प्रतिदिन दवा की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें मुख्य रूप से किडनी रोगी, हार्ट पेशेंट, बीपी व शुगर के मरीज हैं, जिनको प्रतिदिन दवा लेना आवश्यक होता है, किंतु लॉकडाउन के कारण रिटेलर्स होलसेलर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मेडिकल स्टोर संचालकों ने जिला प्रशासन से पास मुहैया कराने की मांग की है। रोक के चलते मेडिकल स्टोर्स पर दवाएं खत्म हो चुकी हैं। स्टॉकिस्ट होलसेलर के पास पहुंचने के लिए परमिशन दी जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को दवा की जरूरत पड़े तो उसे वह दवा अवश्य मिले। दवा को संजीवनी के रूप में माना गया है। अगर एक दिन भी जरूरत की दवा किसी मरीज को नहीं मिलती है तो उससे बीमारी बढ़ने की संभावना रहती है। शहर के मेडिकल व्यवसायियों को एरिया वाइज मदद की जाए, उन्हें पास जारी किए जाए ताकि वह होलसेल मेडिकल स्टोर से दवा खरीद सके। पिछले 15-20 दिन से ये महसूस कर रहा हूँ कि होलसेल की दुकानें बंद होने की वजह से हमारे रिटेल में स्टॉक की कमी होती जा रही है। अब लोगों को किडनी की, डायबिटीज़ की, बीपी की, आईज़ की दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जगह जगह इसके पर्चे बाउंस हो रहे हैं और लोगों को ये समस्या आ रही है कि मैं इन दवाइयों का सब्स्टिट्यूट कैसे लूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूट भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। कुछ यदि होलसेलर चालू रहेंगे, खुले रहेंगे, यदि ओनर्स को भी पास मिल गया तो ये दवाइयों की कमी जो कोटा में आ रही है वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। गांव से आया हूँ दवाई लेने, मुझे पास बनाना पड़ा। पास बनाने तो नहीं देते। गांव में रोज़मर्रा की जो दवाएं शुगर, ब्लड प्रेशर की, ये सब की जरूरत है वहाँ पे, ख़त्म हो गई क्योंकि गाँव में नहीं मिलती। उनकी पर्पज से दवाई कोटा ही मिलती है, उसके आने में बहुत परेशानी हो रही है। पहले जाओ, आपको किस किस तरह दिक्कत आएगी, कहाँ कहाँ दिक्कत ही आएगी। पहले तो पास बनाने के लिए एसडीएम कार्यालय ले जाओ, फिर आप पास बनेगा वो 2-3 दिन बाद, फिर आना पड़ता है, फिर बीच में बहुत इंक्वायरी होती है।